आज की वीडियो में यार मैं खाने वाला हूँ द रियल कोरियन फूड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। आई एम टेलिंग यू द कोरियन फूड इज यूनिक, इट्स स्पाइसी एंड इट इज श्योरली। मैं ना इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आज की वीडियो में मजा आने वाला है, तो शुरू करें फिर आज का कार्यक्रम। Oh, the breakfast is here. Guys, who wants to have some Korean pancakes? Wow. These are called pa yon. अब मुझे ना कमेंट में कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन इतनी गलत क्यों है, क्योंकि ये अभी मैं सुन के आया हूँ गूगल पे, तो दीज आर पा यों। और वैसे टू बी स्पेसिफिक, दीज आर किमची एंड चाइव्स पैनकेक्स। यार ये कोरियन लोग ना पैनकेक्स भी बड़े हेल्दी बनाते हैं। दिस एक्चुअली लुक्स हेल्दी, वेट चेक दिस आउट। यार वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, किमची ना इज लाइक साइड डिश। अभी हम लंच के लिए जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे आई एम प्रेटी श्योर वो लोग साइड डिश में हमें किमची सर्व करेंगे। एंड किमची जो होता है ना, दीज आर एक्चुअली फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, तो उसका बनाया हुआ ये चीला है, नॉट चीला द पैनकेक। और इसके साथ ना मुझे ये सोया सॉस भी दी है। सो बोनापति। ओहो इसके अंदर तो यार इन्होंने एग भी डाला हुआ है। यार पता है क्या, आई थिंक दिस गोज बेटर विदाउट द सोया सॉस। सोया सॉस के साथ ना यार ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है। इन्होंने इसके अंदर कैरेट्स और अनियंस भी डाले हुए हैं, और जब भी मैं ऑर्डर कर रहा था ना इनको, तो इनके मेन्यू में मैंने प्रॉन्स पैनकेक भी देखे थे। मैंने सोचा ऑर्डर कर दूं, बट क्योंकि अब जो सेकंड डिश है दैट इज़ नॉन वेज, तो मैंने कहा थोड़ा बैलेंस बना के रखते हैं, तो इसलिए प्रॉन्स पैनकेक मैंने अवॉइड कर दी। बाकी भाई एक बार सोच के देखो, प्रॉन्स पैनकेक सही है भाई। मतलब प्रॉन्स मोमोज तो मैंने खाए हैं, बट भाई अब बात पैनकेक्स तक पहुंच गई है। कोरियंस भाई बहुत तरक्की कर रहे हैं भाई। आई एम डन विद द पैनकेक्स। हाँ भाई ठंड रखो, एक बचा है वो भी मैं खाऊंगा। मुझे ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है इसके लिए। ओह साथ में इन्होंने चॉपस्टिक्स भी भिजवाई है। अब चॉपस्टिक्स से ना तो मैं ये खा सकता हूँ, मतलब इमेजिन करो यार चॉपस्टिक से पैनकेक खाना। एनीवे मैंने ना भाई सुबह सुबह ही ऑर्डर कर दिए हैं कोरियन फ्राइड चिकन। यार मैं आपको बता रहा हूँ, कोरियन फ्राइड चिकन आर लिट। लिट इसलिए क्योंकि भाई कोरियंस ना अपने फ्राइड चिकन के अंदर यार बढ़िया सी सॉसें डालते हैं, और अपने फ्राइड चिकन को बड़ा जूसी सा बना देते हैं। और भाई ये तुम शक्ल देख लो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। मतलब यार अगर हम कोरियन वीडियो कर रहे हैं ना, तो कोरियन फ्राइड चिकन तो यार सबसे नंबर वन पे होना चाहिए। मैंने कहा था ना कोरियंस भाई अपने फ्राइड चिकन को बड़ा सीरियस भी देते हैं और बड़ा टेस्टी बनाते हैं। इसके अंदर ना तिरियाकी सॉस डाली है और कोई स्वीट चिली सॉस डाली है, तो इसका फ्लेवर इज लाइक स्वीट चिली। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चिली है, हल्का सा कम स्वीट है, तो वो सीन है इसका। एंड दिस इज़ वेरी गुड यार, बहुत सही है। यार एक बात बताऊँ, बड़ी ऑकवर्ड सी फ्रेगरेंस आ रही है इन फ्राइड चिकन के अंदर से, बट जैसे ही बाइट लेने जाता हूँ और जो टेस्ट आता है, ओहो भाई हम डन एंड डस्टेड विद द ब्रेकफास्ट। पेट भर गया, 3 पीस बचे हैं, ये मैं घर पे खिलाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे घर वालों को पक्का पसंद आने वाले हैं। एंड अब तुम्हारा भाई रेडी होगा, एंड आई वांट टू सी द लंच नाउ। Guys, I am at Midam and the lunch scene is so sorted. Yaar, actually Midam is a Korean barbecue restaurant and bhai, if you can hear what I can hear, to bhai aapko idea lag gaya hoga ki the barbecue scene is also on. Aur yaar ye hamari chimney hai and barbecue mein chicken badhiya se barbecue ho gaya hai aur saath mein bibimbap bhi order ho gaya hai. और मैं आपको बताऊं, मैंने ना पहले इनका मेन्यू देखा एंड फॉर मी द मेन्यू वाज सो आउट ऑफ सिलेबस। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार, बट मैंने दो चीज़ें पॉइंट आउट की इनके मेन्यू में, ओनली बिकॉज क्योंकि मैंने वो कोरियन नूडल्स पे शॉर्ट्स बनाई थी। एक तो मैंने ताब्योकी पॉइंट आउट की इनके मेन्यू में, जो कि मैंने पहले ट्राई आउट की है, एंड एक जजोंग नूडल्स नहीं जजोंग रामन मैंने मतलब रेडी टू ईट खाई थी, तो वो भी इनके मेन्यू में है। सो आई वॉज लाइक सरप्राइज, आई वॉज लाइक ओ ये तो मैंने ट्राई आउट पहले किया हुआ है।
सो यार दो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं. वन इज़ द बिबिम्बाप. बिबिम्बाप का सीन ये है कि यार एक्चुअली दीज आर स्टिकी राइस और इसके अंदर इन्होंने मेरे हिसाब से उबली हुई वेजीज डाल के दिए हैं. आई कैन सी जुचीनी, आई कैन सी कैरेट और मशरूम भी है और एक और ये वेजिटेबल है और ये बढ़िया जिम का खाना है. एंड साथ में ना इन्होंने मुझे सूप भी दिया है और उसके अंदर जुचीनी और ये क्या है, हाँ मशरूम. एंड एक सेकेंड इसको ट्राई आउट कर ही लेते हैं. इट्स नॉट स्पाइसी, ऐसा लग रहा है यार स्वीट कॉर्न का सूप. मुझे ऐसी वाइब आ रही है इसमें से. एंड वी वर टोल्ड कि आप ना इसको अलग से भी पी सकते हो या फिर आप इसके अंदर डाल के यू कैन एन्जॉय योर राइस. तो मैं ना इसके अंदर डालूंगा बिकॉज राइस तो यार इसमें राइस में क्या ही फ्लेवर आएगा. तो थोड़ा फ्लेवर मिक्सअप कर लेते हैं ना भैया. हम चावल खा रहे हैं विद लॉट ऑफ वेजीज. ओ या आई फॉरगॉट, ये साथ में हमें ये भी मिली है. दिस इज़ एक्चुअली द चिली सॉस. ऑन पॉइंट भाई, मेरी बाइट पे गिरी है ना चिली सॉस. चेक दिस आउट. रिफ्रेशिंग एंड हेल्दी. यार मैंने ना आपको ब्रेकफास्ट में बताया था कि जब हम कोरियन रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहाँ पे साइड में हमें किमची ज़रूर वो सर्व करेंगे. एंड हे यू गो, दिस इज़ द किमची. इसका पैनकेक यार हमने सुबह सुबह खाया. तो साथ में इन्होंने यार मुझे दो तीन और साइड्स दी हैं. ये तो यार मुझे ब्रिंजल लग रहा है जो कि मैं टच नहीं करने वाला. और दिस सीम्स टू बी द स्वीट पोटैटो एंड दिस सीम्स टू बी आई डोंट नो बट पिकल लग रहा है मुझे. देखने से तो यार अचार लग रहा है. और इसके साथ जो मैंने ऑर्डर किया है ना, जो अभी बारबेक्यू पे बढ़िया से पक चुका है, दैट इज़ कॉल्ड डाक गालबी. बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ, इनका सीन ये है, इन्होंने चिकन ब्रेस्ट को कोयले के ऊपर अच्छे से सेक के सर्व कर दिया, दैट इज़ दाल गालबी. सो द डाक गालबी फॉर यू गाइज. वाओ अब आ रहा मजा. अगर मैं इसका इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में बात करूँ, दिस टेस्ट सिमिलर टू लाइक नॉर्मल चिकन टिक्का. हाँ यार मैरिनेशन में कुछ कुछ वैसी है. बट टू बी ऑनेस्ट यार, डाक गालबी से बेटर मुझे वो हमने जो कोरियन फ्राइड चिकन खाया था सुबह सुबह, दैट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड. वो तो उसका तो भाई कहीं मुकाबला ही नहीं है यार. द फूड वॉज इंडीड वेरी हेल्दी एंड आई एम फुल. अब आई मैंने से यू जब भी मेरे को भूख लगेगी. क्या आप लोगों ने अब तक नोटिस किया, मैंने सुबह से अब तक एक भी बार कोई भी स्वीट डिश नहीं खाई है. That's why I've got myself some hotoki. Hotoki is a Korean pancake. यार ये pancake ना मीठे वाले हैं. Wait. Wow. यार जैसे ही मैंने इसकी lid खोली ना, वो मालपुआ होता है ना, उसकी fragrance आई. So this is the hotoki. And this is filled with इसके अंदर कोई ना कोई filling है. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि of course मैंने तो Google पे देखा था ना. एंड यार इसके ऊपर इन्होंने शुगर डस्ट डाली हुई है थोड़ी सी. लेट मी मर्डर इट. वाह भाई इसके अंदर यार इन्होंने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं. टू बी स्पेसिफिक इसके अंदर इन्होंने मुझे आलमंड्स और क्रश्ड पिस्ताशियोज नज़र आ रहे हैं. ओह ओके दिस सीम्स टू बी फैमिलियर. यार आपने कभी शीरमल ट्राई किया है? एकदम वैसा फ्लेवर है इसका. ऑल्सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज ये ना ज़्यादा मीठा नहीं है. बट ऑनेस्टली यार दिस इज सो एडिक्टिव. अरे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. वैसे ना मेरा पेट ऊपर तक भरा हुआ है और मुझे इन्होंने दो होतकी दी हैं. एक मैं ऑलमोस्ट खा चुका हूँ, एक ये बचा हुआ है. एक भी खाने की वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बस टेस्ट करना था. बट क्योंकि इतना अच्छा था मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही लिया. एंड ये भाई होगा पैक एंड आई एम गोइंग होम. मैं थोड़ी देर सोऊँगा. अपने जो इतना सारा मैंने अब तक खाया है, लेट इट सेटल डाउन, देन आई वांट टू सी अदर डिनर. सच्ची बताऊं, आई एम सो फुल राइट नाउ, बट पेट में ना थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी इस गिम्बाप के लिए. ओह आइस पैक भी भिजवाया. सीम टू बी द सोया सॉस. ये क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है. Whoa.
लुक एट दिस भाई, क्या कलरफुल चीज है भाई ये, चेक दिस आउट गाइस। भाई साहब पता नहीं क्यों यार ये देख के ना मेरे पेट में जगह बन गई खाने की। यार ये ना बढ़िया मुझे सुशी लग रही है। आई थिंक गिम्बाप को सुशी बोलते हैं, मैं ना एक्चुअली इसके बारे में ढंग से पढ़ के आया नहीं हूँ, तो मुझे तो यार ये सुशी लग रही है। एंड मैंने स्पेसिफिकली ना वेजिटेरियन वाली ऑर्डर की है। इसके अंदर ना मुझे समझ नहीं आ रहा यार, सब्जियां हैं कौन सी हैं, बस मुझे कैरेट समझ आ रही है और मुझे कुकुम्बर भी नजर आ रहा है और चावल तो है ही है। एंड वेट, भाई दिस इज सो गुड। इसके अंदर ना कोई ऐसी सब्जी है या फिर शायद कोई फ्रूट है जो मीठा है और सॉल्टी एंड मीठा फ्लेवर आ रहा है इस गिम्बक का, सॉल्टी फ्लेवर बिकॉज ऑफ दिस। एंड पता नहीं क्यों यार मुझे मजा आ रहा है यार इसके साथ खाने में। भाई साहब दिस इज सो गुड। ये ना मुझे डेली खिला दो, मुझे ये दिखने में खुद ही हेल्दी लग रहा है एंड इट टेस्ट सो गुड। भाई ये सब्जियां बनानी बंद करवा देता हूँ मैं घर पे, अब से ये बनवानी शुरू कर देता हूँ। यार एक बात बताऊँ सच्ची यार, ये वीडियो बनाने में ना मज़ा आ गया। इनके खाने एक तो डिफरेंट हैं और इनके जो खाने के फ्लेवर्स वो भाई और भी ज़्यादा डिफरेंट, मतलब तुमने ना ऐसे फ्लेवर्स शायद ही पहले कभी ट्राई किए होंगे। एंड जब मैं घर आ रहा था ना वापस, तो मैंने ना रास्ते में एक और चीज़ ली थी विच इज़ कॉल्ड द कॉर्न डॉग। अगर आप मेरी YouTube शॉर्ट्स देखते हो तो आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, इफ नॉट तो मैं बताऊं मैं बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स बनाता हूं तो आप जरूर देखा करो। एंड यार वो कॉर्न डॉग का सीन ना बहुत यूनिक था। इट इज एक्चुअली अ कोरियन स्ट्रीट फूड, इट वाज सो लिट। मतलब आप देखोगे ना वो एक तो ये चीज फ्राइड थी एंड बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक स्नैक था वो। मैंने तो भाई दो तीन बाइट ली थी उसकी और अगर पेट में जगह होती ना तो मैं पूरा खा जाता। इट वॉज सो यम। ज़्यादा एग्रेसिव फ्लेवर्स नहीं थे उसके और इनफैक्ट कोरियन जितने भी मैंने अभी आज खाने खाए हैं किसी भी डिश के फ्लेवर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्राइड चिकन, उसके मसाले थोड़े से पंची थे, मतलब वो तो बढ़िया लग ही रहे थे। बट एनीवे यार अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट डू यू वांट टू सी मी ईट नेक्स्ट, आई ट्राई टू ईट एंड मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो भाई वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ये निकल रही है एक सेकेंड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करो एंड आई विल सी यू प्रीटी सून। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।